रिवि ऑफ चैप्टर नंबर चैप्टर इज लेट्स लर्न नोट पैड बेटा चैप्टर नंबर सिक्स को हम लोग और प्रोसीड करेंगे रिविजन लिए क्लियर वी वन तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था द नोट पैड विंडो के बारे में पढ़ा था क्या पढ़ा था द नोट पैड विंडो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से फोर पार्ट्स हैं आपको क्या बताया था टाइटल मेन्यू ब टेक्स्ट एरिया कर्सर ये हमारे क्या थे नोट पैड विंडो के पार्ट्स थे क्लियर इवन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन नोट पैड सो नाउ ओपन योर पेज नंबर फोर्टी थ्री आप सभी लोग जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर फोर्टी थ्री ओपन करिए जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन नोट पैड मीन्स हम लोग अपने नोट पैड पे कैसे न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं तो आज हम लोग उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे क्लियर सो लेट्स स्टार्ट इन नोट पैड यू ऑलवेज नीड अ न्यू वर्क एरिया टू राइट और टाइप क्या होता है नोट पैड में आपको हमेशा किसकी जरूरत होती है न्यू वर्क एरिया की जरूरत होती है ना जब तक आपके पास न्यू वर्क एरिया नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज राइट नहीं कर सकते और टाइप नहीं कर सकते तो अंडरलाइन करिए इस लाइन को इन नोट पैड यू ऑलवेज नीड अ न्यू वर्क एरिया टू राइट और टाइप आपको नोट पैड में कोई भी चीज राइट और टाइप करने के लिए किसकी जरूरत है बेटा न्यू वर्क एरिया की क्लियर नाउ नेक्स्ट फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट आप इसके लिए क्या करोगे एक न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको न्यू वर्क एरिया चाहिए चाहिए तो आप क्या करोगे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन द नोट पैड फॉलो द गिवेन स्टेप ओके okay? अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट ही करना है तो आप क्या करोगे उनके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको स्टेप्स नहीं पता होगा तो आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो क्लियर विवर? हियर स्टेप वन सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे स्टेप वन की क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन आपको किस पे क्लिक करना है फाइल ऑप्शन पे किस पे क्लिक करना है बेटा क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन ऑन द मेन्यू ड्रॉप डाउन ओके अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल ये देखिए स्टेप वन आपने फाइल पे क्लिक किया किस पे क्लिक करोगे फाइल पे वो फाइल आपको कहाँ मिलेगी मैंने आपको क्या बताया था जो भी फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू एंड ये सारी चीज कहां पे डिस्प्ले होती है मेन्यू बार पे कहाँ पे डिस्प्ले होगी बेटा मेन्यू बार में तो जब आप मेन्यू बार में जाओगे तो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू एंड हेल्प ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी तो आप किस पे क्लिक करोगे फाइल ऑप्शन पे तो कई सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्या दिखाई देगा स्टेप टू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन स्टेप टू में जब आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे तो इतने सारे आपको दिखाई देंगे तो उसमें आपको किस पे क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे किस पे क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे स्टेप थ्री जैसे ही न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब ब्लैंक स्क्रीन विल अपीयर। वी कैन टाइप यूजिंग द द कीज ऑन कीबोर्ड। जैसे ही आप न्यू स्टेप्स पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे ये नीचे देख रहे हो ना जहां पे हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आप क्या कर सकते हो कीबोर्ड का यूज करके का यूज करके कीबोर्ड पे कोई भी चीज टाइप कर सकते हो ब्लैंक एरिया नहीं दिखाई देगा तो आप नहीं टाइप कर सकते हो स्टेप फोर में क्या करना है प्रेस एंटर की टू टू मूव द द कर्सर नेक्स्ट लाइन आपको क्या प्रेस करना है एंटर की प्रेस करना है ठीक है आपको नेक्स्ट लाइन से निकलना है तो आप क्या प्रेस करोगे एंटर की अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस थी वर्ल्ड ऑफ द कम्प्यूट वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स के आगे हम लिख सकते थे ना नहीं लेकिन हमें नहीं लिखना है तो हमें नेक्स्ट लाइन पे आना तो हम कैसे आएंगे किसके थ्रू आएंगे इंटर को प्रेस करेंगे तब हम next line पे आ पाएंगे। तो आपको क्या करना है होमवर्क में इसको लर्न करना है स्टेप्स को लर्न करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है क्लियर बी वन ओके थैंक यू क्लास नाउ हियर इज योर होमवर्क ये आपका बेटा क्या है होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन राइट द स्टेप्स टू क्रिएट न्यू अट इन न्यू पैड इन नोट पैड आपको क्या लिखना है जो भी क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के मैंने स्टेप्स आपको पढ़ाए हैं उनके स्टेप्स को लर्न करना है और होमवर्क कॉपी में राइट करना है क्वेश्चन नंबर टू राइट द स्टेप्स टू ओपन नोट पार्ट क्या करना है आपको ओपन नोट पार्ट के भी स्टेप्स लर्न करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है अपनी होमवर्क कॉपी में करना है क्लास वर्क आपका कुछ भी नहीं है आपको पता है होमवर्क सेंड करना कंपल्सरी है होमवर्क नहीं सेंड करोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा तो इसलिए जब भी आप अपना होमवर्क सेंड करिए अपने नेम के साथ सेंड करिए जिस वजह से हम आपको क्या दे सकें मार्क्स दे सकें तो आप अपने नेम्स के साथ नहीं सेंड करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्लियर वी वन ओके